14 नंबर फेस है। इसको आज बना के दिखाएंगे बहुत आसानी और इजी तरीके से। अगर आप इसको अंत तक देखोगे तो आप खुद बना सकते हैं घर पे कौन सा भी फेस। इसको घर से आप देखिएगा, अगर घर पे खुद अपना फेस मूर्ति का फेस अब अगर खुद बनाना चाहते हैं तो इसको घर से देखिए। इसको तीन डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके अभी बाल का शेप बना रहा हूँ, अभी नाक का शेप बनाएंगे। कैसे कैसे मैंने हाथ चला रहा हूँ वो आप गौर कीजिए। अभी नाक का शेप बन गए, अभी भ्रू आईभ्रू का शेप बनाएंगे। देखिए बहुत आसान और इजी तरीका है। अगर आप दो तीन बार अच्छा से गौर से देखें तो आप आसानी से इसको घर पे उतर सकते हैं। वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीके क्लियर्ट ब्लॉग चैनल में आप सबको स्वागत है। आ गया हूँ और एक नया वीडियो के साथ। जिन दोस्त ने इतना दिन से मेरा साथ दे रहे उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। जिन दोस्त ने पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पास रिक्वेस्ट यही है, अगर आप इस काम पे इंटरेस्ट है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहेगा। मैं वचन दे रहा हूँ ऐसा नया नया तरीके का वीडियो मैंने लाते रहेंगे। अगर आप कुछ डिजाइन अपना मनपसंद डिजाइन क्या फेस वगैरह आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है ये मेरा कॉलिंग नंबर और व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कौन सभी फ़ोटो को उसको बनाने का फुल प्रयास करेंगे। कैसा सर का शेप बना रहा हूँ आप गौर से देखिएगा। अगर आप गौर से दो तीन बार देख लिया तो मेरा उम्मीद है अगर आप घर पे ट्राई करें तो बहुत आसानी से इस फेस को आप उतर सकते हैं। नाक का शेप कैसी होती है, होंठ का शेप कैसी होती है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ध्यान से हट जाएगा तो नाक का शेप क्या है होंठ का शेप क्या है वो ध्यान से हट जाएगा तो आपको बहुत मुश्किल होगी हो जाएगा इस एक फेस बनाने के लिए, इसलिए आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। अभी गाल पे मास्क लगा रहा हूँ, देखिए कैसा धीरे धीरे सूखा हुआ गाल को कैसा खूबसूरत गाल बन जा रहा है। देखिए थोड़ा धीरज से अगर आप करें तो आप घर में बैठ के बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए मेरा ऑलमोस्ट सेफ हो गया। अगर आप मेरा उम्मीद है आप अगर आप घर पे ट्राई करें तो आपको आसानी से दो तीन बार ट्राई करें तो आपको आसानी से ये फेस बनाना सीख सकते हैं आप। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अभी अच्छा से कहाँ पे थोड़ा काम है उसको देख देख के शेप लाना ज़रूरी है। ये 14 नंबर फेस है, 16 नंबर फेस देखा नहीं पाया, अभी नेक्स्ट आपको दिखाएंगे 18 नंबर फेस का वीडियो। आप लोग साथ रहिए, मैंने 18 नंबर फेस कैसे बनाया जाता उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द लाएंगे। अभी
आँख को सही तरीके से बनाना ज़रूरी है। एक फेस में सब कुछ इम्पोर्टेंट है, सिर्फ आँख नहीं, सिर्फ नाक नहीं, सिर्फ होंठ नहीं, सिर्फ गाल नहीं, सब कुछ एक फेस में, एक फेस का अंदर खूबसूरती लाने के लिए फेस का हर पार्ट्स का बहुत ज़रूरी है। आप वो बात धन से रखिए, जब तक आपका जी नहीं भरेगा तब तक आप छोड़ना नहीं। अभी आँख कैसे बना रहा हूँ वो आप गौर से देखिएगा। देखिए बहुत आसानी तरीका है आँख बनाना। बहुत दोस्त लोग घबराते हैं, आँख कैसे बनाए, आँख कैसे बनाए। आँख बनाना बहुत आसानी है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आँख से आँख बनाने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो रखेंगे अगर आप लोग डिमांड करें तो। आँख बनाना बहुत आसान और इजी तरीके। आँख बनाने के लिए मत घबराइएगा। धीरे धीरे मेरा ये फेस का खूबसूरती बढ़ते ही जा रहा है। आप भी घर पे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। स्क्रीन पे जो नंबर है उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। ये 14 नंबर फेस है, यह अभी कंप्लीट 2-3 दिन में हो जाएगा। अगर इस फेस का डाई या मोल्ड आप लेना चाहते हैं तो, ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर देवहार नंबर से बात कर सकते हैं। कभी कभी मेरा दोस्त लोगों को एक फेस के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाते हैं, तो ये आप घर पे खुद बना सकते हैं। अगर टाइम नहीं मिले तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपको इस फेस को आपका घर तक पहुंचा देंगे। धीरे धीरे ऐसा खूबसूरती लाना ज़रूरी है। एक फेस बनाना आसान काम नहीं, काफ़ी टाइम लग जाता। अभी जितना तक आप देखोगे, ये मेरा अभी 11 मिनट 35 सेकंड का वीडियो, इसको बनाने के लिए 1 घंटा 40 मिनट तक मुझे लग गया था इस फेस को बनाने के लिए। एक्चुअली अच्छा बनाने के लिए अच्छा टाइम भी लगता। कौन सा भी काम शॉर्टकट आसानी से नहीं होता, कौन सा भी काम के लिए टाइम लगता है। टाइम जो कम में नहीं लगता वो कम उतना मज़ेदार नहीं होता। कैसे भी ऐसा कला का काम का बारे में बोल रहा हूँ, मशीनरी काम का नहीं, ऐसा हाथ पे बना हुआ जो कौन सा भी काम थोड़ा टाइम लगा के करे तो वो काम बहुत अच्छा खूबसूरती होती है। होंठ का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, होंठ फिर बढ़ा दिया। अभी होंठ का साथ साथ थोड़ा दाढ़ी ही बढ़ा देंगे, दाढ़ी गाल सब बढ़ा देंगे। इसका फिनिशिंग पार्ट भी लाएंगे, आप लोग सिर्फ देखते रहिए। दाढ़ी को थोड़ा बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि फेस के हिसाब से दाढ़ी नहीं होगा तो बहुत बेकार लगेगा। अभी गाल पे थोड़ा थोड़ा इधर उधर मट्टी लगाना ज़रूरी है। बस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए, अभी फाइनल फिनिशिंग। और कहाँ पे नज़र रख के देखना पड़े, कहाँ पे थोड़ा मिट्टी ज़रूरी है, कहाँ पे कम है लग रहा है, कहाँ पे ज़्यादा लग रहा है, वो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये फेस का काम एक कभी वन टाइम में ओके नहीं होता, इसको हर बार इसको ठीक करना पड़ता, हर बार इसको कहाँ पे क्या है वो ध्यान रखना पड़ता।
बहुत जल्द से जल्द इसका फिनिशिंग पार्ट लाते रहेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहेगा। मेरा मिट्टी का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अभी जो भी करेंगे ये फिनिशिंग का काम ही करेंगे। इस फिनिशिंग पार्ट को अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कहाँ से देख रहे इस वीडियो को ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ बात करना है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर से आप बात कर सकते हैं। इस फेस को अगर आप ख़रीदना चाहते तो वो भी बात कर सकते हैं। अगर आप घर पे बनाएं तो इस फेस को कैसा बनाएं, क्या बनाया वो भी मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देखेंगे आप कैसा बनाया नहीं बनाया, हो सके मैं भी कुछ सीख सकेंगे आपसे। बस मेरा ऑल कंप्लीट हो गया, अभी जो भी करना है फिनिशिंग का काम। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे और एक पार्ट लेके। तब तक के लिए बने रहे, बाय बाय।